जयपुर में कोरोना के चलते जारी अनलॉक एक में सड़कों पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगा है। छूट के बाद अब लोग अपने काम के लिए घरों से बाहर निकलने लगे हैं। वहीं पुलिस का मानना यह है कि अनलॉक वन में चैन स्नैचिंग, छीना झपटी, वाहन चोरी, लूट जैसी वारदात बढ़ सकती है। जयपुर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक गुप्ता ने बताया कि CST DST टीम के अलावा थाना पुलिस की स्पेशल टीमों को अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जेल से छूटने वाले सभी अपराधियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि पुलिस ऐसी वारदातों पर तुरंत कार्रवाई कर सके। लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो अपराधों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन पुलिस का तो काम यही है और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। हम पहले से ही आगाह कर चुके हैं हमारे जाब्ते को, हमारी टीमों को, SHOs को, अधिकारियों को, सबको कि भाई जो ही लॉकडाउन खुलेगा अपराध बढ़ने की संभावना रहेगी, अतः आप अभी से अपनी पूरी तैयारी रखें। और आपने देखा होगा हम लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ही हमने कई मर्डर हुए, उन मर्डर्स को हमने सब में 100% सफलता प्राप्त की। हर एक मर्डर के मुलजिमों को हमने पकड़ा है। इसके अलावा हमने वाहन चोरी, चैन स्नैचिंग, इस तरह के गिरोह हमने पकड़े। अभी मोहना मंडी में 10-12 लाख की चोरी हुई थी, उसके मुलजिम हमने पकड़े हैं।